आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक कुंदर की स्थित डिंगरपुर गांव पड़ा। लगभग 6000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर तो ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान अफसाना है। बात अगर गांव में आने वाले लाभों की करें तो वर्तमान समय में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्रों को ग्राम प्रधान द्वारा पूरा लाभ मुहैया कराया जाता है। वहीं गांव में बात अगर शिक्षा की करें तो गांव में जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं के अंतर्गत लगभग 190 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, तो वहीं ग्राम प्रधान ने गांव में पानी की आपूर्ति के लिए 52 हैंडपंपों की व्यवस्था भी करवाई है। एबीपीएस टीम ने जब प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि उनके द्वारा गांव में बिजली की व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 बिजली के पोल व 15 बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगवाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा सीसी सड़कों का निर्माण भी करा गया है। वहीं गांव को शौचमुक्त बनाने के उद्देश्य से शौचालयों का निर्माण करवाकर भी पात्रों को वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्रों को आवास भी मुहैया कराए जा चुके हैं। एबीपीएस टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में 10 रास्तों का निर्माण कराएं, वहीं गांव में पानी की निकासी के लिए एक बड़े नाले का निर्माण भी करवाया जाए, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीकों की तकलीफों से ना गुजरना पड़े। ग्राम डिंगरपुर लड़के बीबी प्रधान, और जो अब तक पैसा आया है वो हमने रास्तों में लगाया है, कई रास्ते करा दिए, पंचायत घर का निर्माण करा रहे हैं और पैसे की भी 200 रास्ते बनने से रहे, उसमें पैसे की ज़रूरत है। गांव में सबसे बड़ी परेशानी जो है वो पानी की है। सफाई कर्मचारी एक हमारे यहाँ, एक सफाई कर्मचारी से नहीं काम हो रहा। गांव की लंबाई कम से कम रोड पर 1.5 किलोमीटर है और गांव बहुत बड़ा है, जिससे कि उससे सफाई कर्मचारी की परेशानी आती है। कई बार हमने अपने पास से भी सफाई करा दी, और पानी तालाब में जाने की ज़रूरत है, वो तालाब लगभग गांव के इस सिरे से दूसरी तरफ जाना है तो 1.5 किलोमीटर नाले की ज़रूरत है, चौड़ा नाला बनने की ज़रूरत है। गाँव ज़्यादा परेशान है पानी से। ये ग्राम समाज में छोटी सी डेयरिया खुदवा दी, उसमें जो है पानी नहीं रुक रहा, फुल हो जाती है, गांव से पानी ना निकलता। तो यही हमारा कहना है कि पैसा मिले तो वो रास्ते भी करा दें, गांव की परेशानी दूर हो, सफाई कर्मचारी बढ़ें, गांव में सफाई हो, और तालाब के लिए नाला बनने की ज़रूरत सबसे बड़ी है। गाँव बहुत ज़्यादा परेशान है, जब बारिश होती है पूरे गाँव में पानी भर जाता है, नहीं निकलता। ग्रामीणों ने एबीपीएस टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए सभी कार्यों की समीक्षा की और बताया कि वर्तमान प्रधान बेहतर तरीके से विकास कार्य करा रही हैं। उन्होंने बताया कि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर हैं, वहीं पानी की निकासी की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। सर, मेरा नाम मोहम्मद अरमान, ग्राम डिंगरपुर निवासी। हमारे जो गाँव के प्रधान जी हाजी एजाज हुसैन साहब, इन्होंने बहुत सारे रास्ते करा दिए और गाँव की तरक्की सफाई स्वच्छता के लिए अच्छी देखभाल कर रहे हैं, और यहाँ पे सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है, बहुत बड़े एक नाली की ज़रूरत है, तालाब की भी ज़रूरत है। यहाँ पे एक छोटा तालाब है, उसमें पूरे गांव का पानी जाता है और वो फुल हो जाता है जल्दी। मैं डॉक्टर फरियाद आलम, चिकित्सा अधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डिंगरपुर, और हम लोग यहाँ डिंगरपुर में जो हमारा ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर हमारे जो सुविधाएँ चल रही हैं इसके अंदर हम यहाँ पर हमारा हफ्ते में एक दिन टीकाकरण प्रोग्राम होता है, OPD होती है हमारी रोज बेसिस पे। यहाँ पर हमारा ट्यूबर प्रोसेस के लिए 6 रोग के लिए उसकी हमारी लैब यहाँ मौजूद है, यहाँ से हम लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, और यहाँ पे कुछ रोगियों को भी हम देखते हैं जिनको कुंदर की ट्रीटमेंट के लिए रेफर किया जाता है, और स्वास्थ्य केंद्र पे हमारे काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, और हम जितनी भी सुविधाएं अच्छी से अच्छी हो सकती हैं वो हम उन लोगों को सुविधा दे रहे हैं।